जब कोई भी फिल्म हो, उसका जब सीक्वल आता है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि वो सीक्वल जो पार्ट टू रहता है वो ज़्यादा बेटर बनाया हो एज़ कम्पेयर टू पार्ट वन। क्योंकि आप पार्ट वन बनाए थे, लोगों को पसंद आई थी, इसीलिए तो आपने पार्ट टू बनाने का डेयरिंग किया। बट कभी कभी जब पॉलिटिकल थ्रिलर में होता ये है कि यार पार्ट वन और पार्ट टू कभी कभी ऐसा होता है कि क्यों बनाए। पर यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन नहीं, जैसा टिपिकल रिस्पॉन्स होता है तेलुगु फिल्मों को, पर फिर भी इट्स गुड रिस्पॉन्स। इस टाइप की हम बात एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं। एट प्रेजेंट अगर मैं कट टू कट भी बात करूँ, जस्ट मिनट, मैं पूरा आपको एनालिसिस बता रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो ये जो फिल्म है इसको लेके जो अर्ली रिव्यूज़ है उसको लेके हम बात करने वाले हैं। या तो देखो, अर्ली रिव्यूज़ के अनुसार मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो तीन रिव्यूज़ मैंने रिसेंटली अभी देखे इस फिल्म को लेके, उनमें से दो रिव्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव थे, एक रिव्यू काफ़ी निगेटिव इस फिल्म का था। अब आई डोंट नो कि प्रीमियर इसका कहाँ पर रिलीज़ हुआ, या अर्ली रिव्यू जो इनको मिले हैं, कुछ जगह पे कभी कभी एक दो दिन पहले से ही प्रीमियर शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ एंगल है। रियल रिव्यूज़ तो लग रहे हैं, क्योंकि आजकल ब्लू टिक भी वैसे सबको ही मिल जाता है, बट ट्रस्ट वर्दी रिव्यूज़ है ये। जो मतलब कट टू कट बात करूँ मैं, तो मैं लास्ट के 3-4 साल, 3-4 नहीं पर एटलीस्ट 1-2 साल से इन लोगों को मैं फॉलो करते आया, तो ऐसे ट्रस्ट वर्दी रिपोर्ट्स के अनुसार इसको एक ने 3.5, एक ने 3 और एक ने 1 स्टार रेटिंग दिया है। जहाँ पे 1.5 दिया है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है फिल्म का राइटिंग ख़राब, थोड़ा सा देखने को प्रॉब्लमेटिक देखने को मिला है। और बाकी दो रिव्यूज़ में उन्होंने स्टोरी लाइन पे तो कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया है, उन रिव्यूज़ ने सिर्फ कलाकारों की एक्टिंग की बात करी है। और हाँ, ये बात ज़रूर कही कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा लोग इस तरीके से एटलीस्ट फिल्मों में अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू पार्ट वन उन्होंने पार्ट टू को उतना ज़्यादा नहीं सही बोला है। मतलब बुरा तो नहीं बोला है, लेकिन उनके रिव्यू से तो यही लगता है कि दे आर नॉट दैट मच सेटिस्फाइड, जस्ट क्योंकि पार्ट वन की वजह से इन्होंने पार्ट टू देखी है और रिव्यू किया ऐसा लगता है। एनीवे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपने बोला था इसके बारे में अपडेट लाओ, इसीलिए आपके साथ शेयर की। ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।